आगरा के थाना पिनाहट इलाके के मोहल्ला न्यायपुर से 3 दिन पहले घर के बाहर खेलते वक्त लापता हुए 8 साल के रौनक की हत्या कर दी गई थी। लेकिन बच्चे के लापता होने की जानकारी के बाद भी हाईटेक तरीके सीखने का दावा करने वाली आगरा कमिश्नरेट पुलिस इस हत्या को रोकने में नाकाम रही। पुलिस कर्मियों की कार्यशैली पुराने ढर्रे पर ही रही। रौनक 3 दिन से लापता था। पुलिस घर पहुंची और करीब 20 घरों में छानबीन की गई, लेकिन शव सोमवार को घर के पीछे गली में पड़ा मिला। लोगों का कहना है कि पुलिस ठीक से पड़ताल करती तो उसे पहले ही दिन बरामद किया जा सकता था। पिनाहट के नयापुरा के रहने वाले करण सिंह ने किसी से अपनी रंजिश नहीं बताई। शुक्रवार को बेटी के लापता होने पर उन्होंने पुलिस को जानकारी दी थी। करण सिंह के घर में बने एक कमरे में ताला लगा था, हालांकि पुलिस ने उसे कमरे को नहीं देखा। पुलिस का दावा है कि परिवार वालों ने उसे खोलने से इनकार कर दिया था। सोमवार को उसी कमरे में जांच के दौरान बनियान मिली। सीढ़ियों पर, छत पर खून के निशान लगे हुए थे। घर की कमरे में बनियान मिली जिस पर लाल गेरुआ रंग से रौनक लिखा हुआ था और उस पर करीब 20 से 21 बिंदिया लाल और पीले रंग की लगी हुई थी। घर की जीने की सीढ़ियां सहित छत पर खून के धब्बे मिले। सिलबट्टे पर गेरू रंग लगा हुआ था और मौके से बाकी सबूत भी बरामद हुए। अपहरण का मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने मोहल्ले के आसपास के रास्तों पर लगे सीसीटीवी कैमरे खंगालने शुरू कर दिए। घरों की तलाशी ली गई थी। वहीं बच्चे का शव बोरी में बंद मिलने के चलते पुलिस ने दोबारा इलाके के सीसीटीवी कैमरे खंगाले, मोहल्ले के लोगों से पूछताछ भी की और कुछ सबूत इकट्ठे भी किए गए। करण सिंह 3 भाइयों में सबसे बड़े हैं। छोटे भाई रवि कुमार दिल्ली में हलवाई हैं। उनसे छोटा भानु कुमार घर में ही रहता है। वहीं माँ मुन्नी देवी साथ में रहती है। बेटी रौनक की अपहरण के बाद हत्या की घटना से परिवार में कोहराम मच गया। यशोदा का रो रो कर बुरा हाल है। पिता के भी आंसू नहीं रुक रहे। उनका कहना था कि बेटे के हत्यारे को पुलिस पकड़ कर सजा दिलाए। मां बार बार बेटी को याद कर रही है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर की 3 हड्डी टूटी होने की बात सामने आई है। उसके सिर पर हमला करके हत्या कर दी गई थी। गले पर भी हल्की चोट है, लेकिन इससे मौत नहीं हो सकती। उधर सोमवार शाम को पोस्टमार्टम के बाद शव आया तो घर में कोहराम मच गया। इस दौरान पुलिस पहुंची और रात में बच्चे का अंतिम संस्कार कर दिया गया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।